चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस टू एक्स, आपको इसका क्या कैलकुलेट करना है, आपको इसका मैक्सिमा और मिनिमा आपको कैलकुलेट करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो कैसे किया जाएगा, सबसे पहले अगर ये वाई है तो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स, ताकि हमें पॉइंट पता पड़े एक्स की वैल्यूज निकल के आए। तो डी वाई बाई डी एक्स साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, और फिर कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन टू एक्स, टू एक्स का क्या हो जाएगा, इनटू में टू। ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको हमें जीरो रखना है, पर जीरो रखने से पहले मैं थोड़ा सा और सिंपलीफाई करूंगा। कॉस एक्स माइनस टू, साइन टू एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, टू साइन एक्स कॉस एक्स। अब इसे हम जीरो रखेंगे, तो इन दोनों में से हम अगर कॉस एक्स को कॉमन निकाल लें तो बचेगा वन माइनस ऑफ फोर साइन एक्स कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स तो मैंने कॉमन निकाल लिया, इज इक्वल टू जीरो, ये बचा मेरे पास। तो या तो कॉस एक्स जीरो होगा, या तो कॉस एक्स बराबर क्या होगा जीरो, या फिर वन माइनस फोर साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस फोर साइन एक्स बराबर हो जाएगा जीरो। तो यहां से साइन एक्स निकल के आ जाएगा वन बाय फोर, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ वन बाय फोर, और यहां से x क्या निकल के आ जाएगा, सीधा सीधा 90 डिग्री, पाई बाय 2। भाई 90 डिग्री पे ही तो cos क्या होता है, जीरो होता है। तो मेरे पास दो वैल्यूज निकल के आ गई x की। अब कहां पे मैक्सिमा कहां पे मिनिमा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो ये जो फंक्शन मेरे पास लिखा हुआ है, या फिर आप इसको भी ले सकते हैं, इसका हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए डबल डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉस का डिफरेंशिएशन आप करते हैं तो क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, वन माइनस फोर साइन एक्स एज इट इज, फिर प्लस वन माइनस फोर साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ फोर कॉस एक्स इनटू कॉस एक्स एज इट इज, कॉस एक्स एज इट इज। अब अगर एक एक करके मैं कैलकुलेट करूं, अगर मैं एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू या फिर कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो रखूं एट x is equal to pi by 2, इसका मतलब x is equal to pi by 2 पे cos x तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, मेरे पास बचेगा क्या, और अच्छा x is equal to pi by 2 पे sin क्या होता है, sin pi by 2 होता है 1, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है माइनस ऑफ sin pi by 2 हो जाएगा 1, 1 माइनस 4 into 1, तो ये हो जाएगा कुल मिला के माइनस 1 into माइनस 3, ये हो रहा है 3, मतलब ये तो आ रहा है पॉजिटिव, मतलब ये जो फंक्शन है y इज, क्योंकि वैल्यू है पॉजिटिव, इज मिनिमम क्या हो जाएगी, वैल्यू मिनिमम एट x इज इक्वल टू पाई बाय टू, एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू पे मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम, क्योंकि डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव। चलिए अब देखते हैं एट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स पाई बाय फोर, at x is equal to sin inverse 1 by 4, मतलब x is equal to क्या हो जाएगा, मेरा x is equal to हो जाएगा सीधा सीधा sin, नहीं sorry, sin x is equal to 1 by 4। अच्छा sin x is equal to 1 by 4 है तो आप ये भी जानते हैं कि cos x is equal to क्या हो जाएगा, cos x is equal to under root of 3 by 4 हो जाएगा, cos x is equal to under root of 3 by 4 हो जाएगा। अच्छा कैसे, तो under root of 3 by 4 नहीं होगा, हम निकाल सकते हैं cos x की वैल्यू, क्योंकि cos x में जानता हूं, मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूं, 1 माइनस sin square x होता है cos x, अगर जरूरत पड़ेगी हमें तो 1 माइनस 1 बाय 16, ये 15 बाय आएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 15 बाय 16, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 15 बाय 4, ये हमारे पास क्या आ गई, cos x की वैल्यू। अब डबल डेरिवेटिव जो हमने निकाला हुआ है, यहां पर हमें साइन इनवर्स 1 बाय 4 पे, मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 4 पे और कॉस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15 बाय 4 पे चेक करना पड़ेगा कि मेरा डबल डेरिवेटिव क्या वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है नेगेटिव। चलिए चेक करते हैं, माइनस ऑफ साइन की जगह 1 बाय 4, 1 माइनस 4 इंटू 1 बाय 4 प्लस यहां पर है माइनस ऑफ 4, कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो सीधा कॉस स्क्वायर की वैल्यू में क्या लिख देता हूँ, 15 बाय 16।
अब अगर मैं इसे चेक कर रहा हूँ तो माइनस ऑफ 1 बाय 4 इंटू ये हो जाएगा पूरा का पूरा 1 माइनस 1, ये तो क्या हो गया 0, ये 0 हो गया। अब ये वैल्यू निकल के आ रही है कितनी, ये वैल्यू निकल के आ रही है माइनस ऑफ 15 बाय 4। अब ये तो क्या आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 4, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमा हो जाएगी। तो हमें ये पता है कि एक पॉइंट पे मिनिमम आएगी एक पॉइंट पे मैक्सिमम आएगी, पर वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या उसके लिए हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा हमारा x। तो जब मैं x इज इक्वल टू पाई बाय टू पुट करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू पाई बाय टू पुट करने पर, x इज इक्वल टू पाई बाय टू पुट करने पर मेरे पास हो जाएगा साइन पाई बाय टू प्लस कॉज ऑफ पाई, क्योंकि टू इंटू पाई बाय टू क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो साइन पाई बाय टू होता है 1 और कॉस पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, अगर मैं ग्राफ से करना चाहूं तो कॉस पाई हो जाएगा मेरे पास माइनस 1, तो ये तो हो गया हमारे पास 0। x इज इक्वल टू पाई बाय टू पे पहले ही हमें पता था वैल्यू मिनिमम निकल के आएगी तो ये तो 0 आ रही है, पर x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय 4, साइन इनवर्स 1 बाय 4 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स तो सीधा सीधा क्या रखोगे आप, साइन एक्स तो रखोगे आप सीधा सीधा 1 बाय 4, क्योंकि हमने निकाला है ना कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 4 रखूंगा मैं यहाँ पे, तो फंक्शन की वैल्यू हो रही है 1 बाय 4 प्लस। अब कॉस 2x क्या है, कॉस को भी आप साइन की फॉर्म में लिख सकते हो, आप जानते हो कॉस 2x क्या होता है 1 माइनस 2 sin² x होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाय 4 प्लस 1 माइनस 2 into 1 बाय 4 का स्क्वायर, इतनी वैल्यू। चलिए इसे यहां पर लिख देते हैं, तो ये हो रहा है 1 बाय 4 प्लस, और ये 1 बाय 4 का स्क्वायर 1 बाय 16, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 8 हो जाएगा। तो 1 बाय 4 प्लस 1 माइनस 1 बाय 8 कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 7 बाय 8 हो जाएगा। आप अगर ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 8 एलसीएम लेने पे 2 प्लस 7, तो मेरा फाइनल आंसर क्या निकल के आ जाएगा 9 बाय 8। तो ये क्या निकल के आ गई, साइन इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय 4 पे x जो साइन इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय 4 पे मेरी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 9 बाय 8, और मिनिमम वैल्यू मैंने निकाली तो क्या आ रही है मेरी मिनिमम वैल्यू 0 है। तो डिफरेंशिएशन को जैसे ही मैंने 0 रखा तो मेरे पास x की दो वैल्यूज निकल के आ गई, एक तो निकल के आई पाई बाय 2 और एक निकल के आ रही है साइन इनवर्स 1 बाय 4, x की दोनों वैल्यूज हैं, साइन इनवर्स 1 बाय 4 का मतलब साइन x इज इक्वल टू 1 बाय 4 रखना, ये दोनों वैल्यूज निकल के आ गई। इन्हें जब हम देखेंगे डबल डिफरेंशिएशन करके तो हमें पता पड़ेगा कि एक पॉइंट ऐसा है जहां पे डबल डेरिवेटिव हमारा क्या निकल के आ रहा है पॉजिटिव, तो यहां पे वैल्यू होगी मिनिमम, और एक पॉइंट ऐसा है जहां पे डबल डेरिवेटिव आ रहा है नेगेटिव, तो यहां पे वैल्यू होगी मैक्सिमम। और क्या मिनिमम वैल्यू क्या मैक्सिमम वैल्यू, उसके लिए एक्स की जो हमने वैल्यूज निकाली है पाई बाय टू और साइन इनवर्स 1 बाय 4, आप अगर पुट कर देंगे तो आपके पास एक 0 आ जाएगा और एक 9 बाय 8 निकल के आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की, मैक्सिमा और मिनिमा। पर इस बार अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल, टू वेरिएबल्स। अभी तक जैसे हमने क्वेश्चन किए हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक फंक्शन है f ऑफ x जिसमें x ही वेरिएबल है, इसका मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालना, तो सिंगल वेरिएबल के हमने देखे। पर अगर वेरिएबल ज्यादा हैं, जैसे दो वेरिएबल हैं, फंक्शन है सपोज एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x² पर, ऐसा कोई फंक्शन है। अब यहां पर x और y क्या है, दोनों हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, कैसे मैक्सिमा और मिनिमा हम फाइंड करेंगे, तो आपको करना क्या है बात को समझिए। सबसे पहले आप इस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर आप इस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। स्टेप नंबर 1, पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में। दोनों को हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे, दोनों को हम क्या रखेंगे, 0। इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें क्या पता पड़ेगा, x और y पता पड़ेगा। सपोज वो आया पॉइंट a1, b1 या फिर a2, b2, ऐसे कुछ पॉइंट्स निकल के आ गए। ये वो पॉइंट हैं जहां पर मेरा फंक्शन क्या देगा, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू देगा। पहले तो हमें वो पॉइंट भी तो पता करना पड़ेगा कि भाई कहां पर मेरा फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है।
तो सिंगल डिफरेंशिएशन करके जब आप जीरो रखेंगे दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर टू, आपको निकालना है डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में, वो भी दो बार। फिर आपको निकालना है डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स और डी वाई, मतलब कि जिसका मैंने y के रिस्पेक्ट में कर रखा है उसको मैं फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, या जिसको x के रिस्पेक्ट में कर रखा है उसको मैं फिर से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं। और फिर डबल डेरिवेटिव आप निकालेंगे डी स्क्वायर एफ अपॉन डी वाई स्क्वायर, वाई के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको हम नाम देंगे r, इसको हम नाम देंगे t, और इसको हम नाम देंगे s। हमने तीन वैल्यूज निकाली, r निकाला, t निकाला और s निकाला। अब आपको वेरीफाई करना है अगर rt माइनस s स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है। अगर ग्रेटर देन जीरो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यही कंडीशन, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर rt माइनस s स्क्वायर आपका ग्रेटर देन जीरो आता है तभी आपके फंक्शन का या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगा, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगा। अब वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा कैसे पता करोगे? अगर r आपका ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा निकल के आएगा, और अगर r आपका लेस देन जीरो है तो क्या निकल के आ जाएगा? मैक्सिमा निकल के आ जाएगा। अब इनकेस अगर r आपका क्या हो गया, जीरो हो गया, या फिर आपका rt माइनस s स्क्वायर आपका क्या हो गया, ये जीरो हो गया, तो फिर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है। तब हम मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा ये हम नहीं बता सकते हैं। तो क्या क्या जरूरी है? rt माइनस s स्क्वायर का ग्रेटर देन जीरो होना जरूरी है, और अगर ये ग्रेटर देन जीरो होता है तो हम r की वैल्यू से पता करेंगे कि फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी, उसके लिए आपने x और y निकाल ही लिया है, सिंगल डिफरेंशिएशन को पार्शियल डिफरेंशिएशन को जीरो करके हमने x और y निकाल लिया। उस x और y को फंक्शन में पुट कर देंगे तो हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये वर्किंग रूल है, इस तरीके से आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। क्वेश्चन के साथ इस बात को मैं और अच्छे से समझाता हूँ। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई, आपको इसका मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करने को कहा गया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एफ, अगर मैं फंक्शन को क्या मान लेता हूँ, एफ अगर मैं मान लेता हूँ, तो इसका मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालूंगा किसके रिस्पेक्ट में, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में। डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स निकालते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर, वाई तो कॉन्स्टेंट है जीरो हो गया, यहाँ पर एक्स का हो जाएगा वन, ये आ गया। इसके बाद जब मैं निकालूंगा डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई, तो मैं वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा, एक्स को कॉन्स्टेंट मानेंगे जीरो हो गया, वाई का हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर माइनस वाई का हो जाएगा वन, तो क्या बचेगा थ्री एक्स। इसको भी जीरो रखेंगे, इसको भी जीरो रखेंगे, दोनों को हमें क्या रखना पड़ेगा जीरो, क्योंकि यही हमारा वर्किंग रूल है कि जैसे ही दोनों को जीरो रखेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यूज निकल के आएंगी। यहां से निकल के आ जाएगा क्या, यहां से निकल के आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री वाई, इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। यहां से निकल के आ जाएगा थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एक्स, implies that y square is equal to x। y की value जब मैंने यहाँ पर put करी, तो y की जगह मैंने क्या रखा, x square का square is equal to x, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, x की power 4 is equal to x। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ x to the power 4 minus x is equal to 0, implies that अगर x common ले ले तो x cube minus 1। तो या तो x बराबर 0 आएगा, या तो x बराबर क्या आ जाएगा, x क्यूब माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x की हालांकि तीन वैल्यूज निकल के आएंगी, एक x इज इक्वल टू 1 आएगा और बाकी आएगी क्या निकल के, एक आएगी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर पढ़ा है तो तीन वैल्यूज होती हैं इसकी, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो हमें इमेजिनरी वैल्यूज से मतलब नहीं, हम सीधा सीधा क्या कंसिडर करेंगे, हम 1 कंसिडर करेंगे और एक x इज इक्वल टू 0 को हम स्टडी करते हैं। जब मैंने x इज इक्वल टू जीरो रखा तो y भी क्या निकल के आ गया, जीरो। एक तो मेरे पास क्या हो गया, पॉइंट हो गया 0,0, और जब मैंने x इज इक्वल टू 1 रखा तो y भी क्या हो जाएगा मेरा, 1, y इज इक्वल टू 1, तो एक पॉइंट मेरे पास क्या हो गया, 1,1। हम इन दो पॉइंट पे चर्चा करेंगे, 0,0, 1,1। अब आती है बात r, t और s निकालने की। तो सबसे पहले r क्या हो जाएगा, ये डबल डिफरेंशिएशन,
डेल्टा स्क्वायर एफ अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये आप निकालेंगे डबल डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स, इसको हम कहते हैं आर। फिर अगर आप जिसको आपने एक्स के रिस्पेक्ट में कर रखा है उसको वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, मतलब डेल्टा स्क्वायर एफ अपॉन डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, एक्स वाले को हम कर देते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसका जीरो हो गया, सिर्फ क्या आ गया मेरे पास माइनस थ्री, ये हो जाएगा एस। और अब टी की बारी, तो टी के लिए हमें डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डेल्टा स्क्वायर एफ अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर, ये कितना निकल के आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूं वाई के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा सीधा सीधा 6y, ये हो गया, ये s था और ये हो गया क्या, ये हो गया t, r आ गया, s आ गया, t आ गया। अब अगर मैं जीरो रखूंगा तो जीरो रखने पे तो मेरा r क्या हो जाएगा, जीरो। मैंने आपको बताया था कि r अगर आपका जीरो है तो मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो मतलब अब मैं जीरो कॉमा जीरो को भी स्टडी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पॉइंट वन कॉमा वन की बात करूंगा कि जीरो रखने पे r आ रहा है जीरो, और r इज इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं बताया जा सकता, तो बात करते हैं किसकी, सिर्फ वन कॉमा वन की। जैसे ही वन रखेंगे तो ये हो जाएगा सिक्स, ये तो माइनस थ्री ही रहेगा, और वन रखेंगे तो ये भी हो जाएगा सिक्स। निकालते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे तो आर कितना हमारे पास सिक्स, टी कितना हमारे पास सिक्स, माइनस एस स्क्वायर मतलब माइनस थ्री का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 माइनस नाइन, तो ये निकल के आ रहा है 18, जो कि ग्रेटर देन जीरो। और अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मेरा फंक्शन क्या होगा, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम उसके लिए आर देखिए क्या है, आर आपका है सिक्स ग्रेटर देन जीरो, तो मतलब एफ इज मिनिमम एट वन कॉमा वन, और मिनिमम वैल्यू होगी क्या, मिनिमम वैल्यू इज, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, आप वन और वन रखो यहां पे, वन और वन ये हो गया वन प्लस वन माइनस थ्री, एक्स और वाई की जगह हमने वन रखा है, ये क्या निकल के आ जाएगा माइनस वन, तो ये मेरी मिनिमम वैल्यू निकल के आ गई। तो हमने क्या क्या करा, हमने सबसे पहले ये निकाला है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों को जीरो रखा तो पॉइंट आ गया जीरो जीरो और वन वन। जीरो जीरो को स्टडी करने की जरूरत नहीं है कि जीरो जीरो पे आर भी मेरा जीरो हो रहा था, उसे नहीं देखेंगे हम। वन वन पे मैंने आर निकाला, एस निकाला, टी निकाला, और आर टी माइनस एस स्क्वायर तो मेरा ग्रेटर देन जीरो आ रहा था, मतलब या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम होगा, क्योंकि r मेरा पॉजिटिव है इसका मतलब मिनिमम हो जाएगा एट 1.1, और मिनिमम वैल्यू के लिए 1.1 यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा।